गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मयंक विद यू गाइस विद द क्लासेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर. डियर वंस, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 6 एंड वी आर स्टडीइंग द चैप्टर पॉलिसिस. पॉलिसिस पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कुछ रूल्स, कहां हम लोग अपोस्ट्रोफी एस और कहां सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करें, क्लियर है? उसी में कुछ रूल्स और बाकी है, इसके बाद ये क्लास अब तक कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स कंटिन्यू दैट क्लास. टुडेज फर्स्ट रूल, we can use apostrophe s with time expressions. Use apostrophe s with time expressions. Time expressions. एक time expressions क्या हम लोग देखते हैं, जैसे लोग कहते हैं at a moment's notice, मतलब last minute का notice, तुरंत का notice. जैसे कि आपको देखिए at मोमेंट्स, मोमेंट यहां पर ऐसा टाइम एक्सप्रेशन, मोमेंट्स नोटिस, दिस इज एपोस्ट्रोफी एस विथ टाइम एक्सप्रेशन. एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, 5 weeks, वीक्स बोलिए, 5 सप्ताहों की छुट्टी, ये टाइम शो कर रहा है, टाइम का एक्सप्रेशन है, ये भी टाइम का. तो ऐसे टाइम एक्सप्रेशन के साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं. नेक्स्ट मंथ मीटिंग, अ मंथ सैलरी, ठीक है, ये सारे चीज जो है टाइम एक्सप्रेशन आते हैं, इनके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं. नेक्स्ट, वी कैन यूज द पॉजिटिव फॉर्म विदाउट अ फॉलोइंग आउट. हम लोग वहां पर पॉजिटिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं जहां पर कोई नाउन नहीं हो. वेन वी टॉक अबाउट हाउसेस, स्कूल्स, शॉप्स, चर्चेस एक्सेट्रा, जहां पर किसी इंसान का या नाउन नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर किसी स्कूल का, शॉप का, चर्च का, घर का चर्चा हो, तो वहां पर हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, माई ब्रदर reads at Saint Joseph's कॉलेज है, लेकिन यहां हमने कॉलेज का नाम नहीं दिया, तो सेंट जोसेफ जो स्कूल है, सेंट जोसेफ, बस यहां एपोस्ट्रोफी इसका हमने यूज किया है. यहां सेंट जोसेफ का मतलब है सेंट जोसेफ कॉलेज या मेरा. वी कैन यूज द पॉजिटिव फॉर्म विदाउट अ फॉलोइंग नाउन, यहां पर हमने यूज किया है, इसका कोई भी नाउन पॉजिटिव नहीं, कॉलेज, स्कूल, ठीक है. वेन वी टॉक अबाउट हाउसेज, स्कूल्स, शॉप्स, चर्चेज एक्सेट्रा, ग्रोसर्स शॉप हो सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कोई चीज का, तो सिर्फ लिखा जाए ग्रोसर्स शॉप, दिस विल फॉलो द रूल, क्लियर. इसके साथ आपका ये लेसन पॉलिसिव खत्म हो गया. एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, द पॉलिसिव फॉर्म ऑफ अ नाउन इज फॉर्म बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड एस और जस्ट एन एपोस्ट्रोफी. जब भी हम लोग को बोला जाए किसी नाउन का पॉलिसिव फॉर्म बनाने के लिए, या तो उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे या सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के हम लोग पॉलिसिव फॉर्म बनाते हैं एपोस्ट्रोफी का. कुछ रूल्स मैंने बताया था, यूज विथ सिंगुलर नाउन एंड विथ प्लुरल नाउन दैट डज नॉट एंड विथ एस, प्रोपर नाउन दैट एंड विथ एस. मैंने बताया था एग्जाम्पल आपको जेसस, तो आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे. दीज आर सर्टेन रूल्स यू मस्ट रिमेम्बर इन पॉजिटिव्स. इसके कुछ वर्कशीट के एक्सरसाइजेज है, पहला है ए, राइट डाउन द फ्रेजेज यूजिंग द करेक्ट पॉजिटिव फॉर्म, एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी या एस. देखिए उसमें एक दो मैं आपको बता देता हूं, जैसे सुनील मोबाइल ऐसे करके दिया हुआ है आप एक्सरसाइज, ये सुनील मोबाइल, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे पॉजिटिव फॉर्म में, सुनील्स, क्लियर है. इसी तरीके से इसको बनाइए. नेक्स्ट है द बॉयज बैग, द बॉयज बैग कैसे बनाएंगे, द
अगर एक आदमी का है तो ये, अगर बहुतों का है तो क्लियर। एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, जहां प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क अस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।